फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। पिछली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 1.2। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक क्या कि भाई जो भी उसमें यूज होगा, एप्लीकेबल होगा जो भी मेथड, उसको समझ लेते हैं पहले। उससे समझने के लिए क्या उसमें बेसिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि आप लोगों को मैंने करवाए थे प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर, बस उन्हीं दो का रूल है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं होते। जैसे 2 हो गया, वो 2 से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है। 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया आपके प्राइम नंबर। कौन कौन से हैं प्राइम नंबर आपके? प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल है, जैसे 2, 3, 5। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो हुए जो द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, मतलब जो 2 या 2 से अधिक नंबरों से डिविजिबल हो जाते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, ये 8 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। मीन्स 2 या 2 से अधिक नंबरों से जो डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कंपोजिट नंबर ही है एक टाइप। ये क्या कहती है? ये कहती है कि हम किसी एक कंपोजिट नंबर को उसमें लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। वही बात मैं यहां पे कर रहा था, कंपोजिट नंबर को 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से डिविजिबल हो जाते हैं। तो क्या है इसकी, किसी कंपोजिट नंबर को द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से दैट वी कैन राइट अ कंपोजिट नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यहां पे क्या है, बस यही है, कंपोजिट नंबर को हम द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कोई प्रोडक्ट, कोई नंबर मान लो, सोचो जो कंपोजिट हो, लगा आपको 18, ठीक है। 18 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, यहां पे देखो 18 आपका 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मीन्स 2 into 3 into 3 into 1, ये एक कंपोजिट नंबर था, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। बस यही कहती है, ये आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहती है कि हम किसी कंपोजिट नंबर को जो प्राइम नंबरों के गुणनफल में लिख सकते हैं। ये हिंदी में हो गया, वी कैन राइट अ कंपोजिट नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर को इस शेप में। ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये क्या दिया मैंने यहां पे, आप लोगों ने 9th में कहा होगा फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाने,
सेम नाइन्थ वाला सिस्टम क्या है कि भाई कोई भी नंबर देखो उसको फैक्टर में डिवाइड कर रहा हो, मीन्स टुकड़ों में डिवाइड करना हो, और जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में डिवाइड करना हो किसी कंपोजिट नंबर को, उसके लिए ये मेथड यूज होता है। कैसे, जैसे कोई भी नंबर मान लो, आप मानना है कि आ गया आपका 150, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, 2 पे, 27 जा 14, 25 जा 10, ये 2 पे नहीं जा रहा तो 3 पे जाओ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब ये 3 पे नहीं जा रहा तो ये जाओ 5 पे, ये सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 3 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ये जो नंबर है सारे के सारे यहां पर, ये सारे है प्राइम नंबर, ये सारे के सारे है प्राइम नंबर, और ये हमारा कंपोजिट नंबर, ये है हमारा कंपोजिट नंबर। हम किसी कंपोजिट नंबर को वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने अब देखा, यही है बस आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। और क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से, मींस आप लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, कितने भी नंबर का आपको एचसीएफ निकालना हो, कितने भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना हो। जैसे एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर हाईएस्ट कॉमन है किसी किन्हीं दो नंबरों में या दो से अधिक तीन नंबरों में जो हाईएस्ट कॉमन है उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस ये आप लोग देख रहे थे ये आपके फैक्टर में डिवाइड हो गया था, और उन फैक्टरों में जो हाईएस्ट कॉमन है उन्हें आप बोलते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएफ, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम भी आपको करेंगे, पहले एक बार एचसीएफ का एग्जांपल देख लो, आपको एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो जैसे एग्जांपल लेते हैं आप लोग, एक लो एग्जांपल 24, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लो आप 70, दो नंबर लिए आप, इनका अगर एचसीएफ निकालना हो आपको, फाइंड द एचसीएफ, एक तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से निकाल सकते हो, और दूसरा आप निकालोगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, मींस इन नंबरों को प्राइम नंबर में डिवाइड करके। जैसे 24 है आपका, 24 को आप डिवाइड फैक्टराइजेशन करो, 24 का आपने फैक्टर बनाए तो 2 12 जा 2 6 जा 12 2 3 जा और 3 1 जा, तो मींस इसके फैक्टर क्या क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर की अगर मल्टीप्लाई में सेम नंबर हो तो उसकी पावर कॉमन हो जाती है, उसकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, वो चलो बाद में करेंगे, पहले ये देखो 70 एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 70 के फैक्टर बनाओ, 70 के आप लोग फैक्टर बनाओगे 70 2 35, ये 3 पे बन गया, 5 पे, 5 7 जा और 7 1 जा, तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, 17 के फैक्टर आपके ये बने
और 24 के फैक्टर आपके ये बने, 70 के जो फैक्टर बने ये बने, और 24 के जो बने हैं फैक्टर ये गुणनखंड क्या बने आपके ये बने। इनमें देखो हाईएस्ट कॉमन क्या है, एक दो यहां पर लिखा हुआ है, एक दो यहां पे, तीन दो लिखे हुए हैं यहां पे, लेकिन एक दो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो एचसीएफ निकाल लो सीधा, HCF इज इक्वल टू जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो ये। अब देखो कोई और कॉमन है, कोई और कॉमन नहीं है, तो ये आया आपका वन, वन कॉमन है तो इनटू वन, तो आपका HCF हो गया टू। ये यूक्लिड डिवीजन से इजी पड़ेगा आपको मेथड HCF निकालने के लिए, जो उनको प्रोडक्ट में डिवाइड करो, प्रोडक्ट हो प्राइम नंबर में डिवाइड करो, उसके बाद आपको बस ये देखना कि कौन सा नंबर कॉमन आया है उसको लिखते चले जाओ, वो हो जाएगा आपका HCF। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई नंबर लो आपका हो गया 125 और दूसरा हो गया आपका 275, इसके प्रोडक्ट बनाओ 125 के, 125 के आपने प्रोडक्ट बनाए क्या है 125, 5 पे गए डायरेक्टली, 5 पे और 5 1, तो आपका बन गया 5 into 5 into 5 into 1। दूसरा क्या है आपका नंबर क्या है 275, 275 के फैक्टर बनाओ, फाइव पे और 11, तो 275 आपके फैक्टर बन गए 5 into 5 into 11। अब HCF निकालने के लिए HCF, ठीक है, देखो इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, ये देखो 5, इसमें भी है 5, इसमें भी 5, तो एक 5 लिख लिया। अब ये दूसरा 5, इसमें भी है 5 और इसमें भी है 5, तो इनटू करके दूसरा 5 लिख लिया, इनटू 1, 11 इसमें है इसमें नहीं है छोड़ दो इसको, इसमें 1 है तो इनटू 1, तो आपका जो HCF होगा आपका HCF हो गया 5 into 5 25, जो आपका नंबर कॉमन आ जाए वो आप लिखते चले जाना आपका आ जाएगा HCF, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। अब करते हैं हम LCM, अब करते हैं हम LCM, LCM ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है LCM? LCM तो आप लोगों को पता लगा जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे ज्यादा नंबर है। वैसे HCF होता क्या है, पिछली वीडियो में यूक्लिड के दौरान आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा HCF होता है वो सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो उन दो नंबरों को डिवाइड कर देगा, जितने भी जिनके अंदर वो कॉमन है मींस उन नंबरों को वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल यह सबसे छोटा वो नंबर है, यह सबसे छोटा वह नंबर है जो जिनके कॉमन से निकाला गया है, फैक्टर बना के निकाला गया, उन तीन दो या दो से अधिक नंबरों से ये डिविजिबल हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर है जो जिनका कॉमन निकाल के हम लोगों ने किया, दो या दो से अधिक नंबरों में से उनसे डिविजिबल हो जाएगा। कैसे देखो, अभी जैसे आप लोगों ने बनाया कोई नंबर लो आप लोग 24 और लिया 36, ठीक है, 24 के आप लोगों ने फैक्टर बनाए क्या बने 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3,
और 3 पे 1, तो बन गया फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। दूसरा नंबर क्या आपका 36, 36 के फैक्टर बनाओ, 36 2 18 2 9 3 3 और 3 1, इसके बन गया आपके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये आप लोगों के बन गए 26 और 24 और 36 के फैक्टर। प्राइम नंबर में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। अब एचसीएफ तो आप लोगों को आता है, एचसीएफ क्या होगा इनका, एचसीएफ पहले निकालो, एचसीएफ जो कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये लिख दिया, इसमें यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो एक और 2 लिख दिया, यहां पे 2 है लेकिन यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, ये रहा 3, एक मिल गया, तो इनटू 3 भी कॉमन आ गया, ठीक है। इस 2 को छोड़ दो, ये 2 हम लोगों ने लिखा नहीं, अब ये 3 है लेकिन ऊपर एक ही 3 था, इसलिए ये भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, तो इनटू 1, तो क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 4 इंटू 3, तो जो आपका 12 हो गया वो हो गया आपका एचसीएफ। अब मैं करवा रहा हूं आपको एलसीएम और निकाल रहे हो आप एचसीएफ, क्यों, ये पिछला क्वेश्चन था इसलिए रिवाइज हो गया आपका। अब निकालो एलसीएम, एलसीएम में क्या है, पहले वो लिख लो जो कॉमन है, जैसे आपने देख लिया कि एचसीएफ में हमने वही लिखे जो कॉमन है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो बाकी बच गए उनको लिख दो दोबारा फिर 2 इंटू 3, यहां पे 2 बच गया था, एक कॉमन नहीं आया था, यहां पे 3 बच गया था, जो कॉमन नहीं आया था, एक कॉमन आ गया था वो हम लोगों ने लिख दिया था, और ये 2 थे जो 2, ये दोनों कॉमन आ गए थे, ये हम लोगों ने लिख दिए थे, ठीक है। तो आपका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 के 12 दूनी 24 के 72, 72, ये आपका आ गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपका आ गया एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 24 और 36 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, ये 32 2 पे गया और ये 3 पे, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, 72 आपका सबसे छोटा नंबर है, जो जिनका हमने एलसीएम निकाला है उन दोनों नंबर से वो डिविजिबल हो जाएगा, आपका एलसीएम ये हो गया। क्या हो गया एलसीएम, क्या करना है एलसीएम में, प्रोडक्ट बनाओ प्राइम नंबर का, किसी नंबर को, किसी एक नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में डिवाइड करो, प्रोडक्ट बना लिए प्राइम नंबरों में डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर आ रहे हैं, जो जो नंबर आपके कॉमन है उनको लिखो पहले, और जो बच गए अब उनको भी लिख दो बाद में, ये बार बार रिपीट मत करना कि जो कॉमन है उनको भी बार बार लिखोगे, जो कॉमन आ रहे हैं मतलब जैसे आपने एचसीएफ निकाल लिया, जो जो कॉमन लिख लिए, और जो जो आपके कॉमन नहीं आए थे, जो जो नंबर आपके कॉमन नहीं आए थे उनको लिखो फिर, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करेंगे अभी, आप उनके मल्टीप्लाई कर दो वो आ जाएगा आपका एलसीएम। एक दो एग्जांपल और लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये देख लिया आप, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल ले लेते हैं, 36 और 48, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ठीक है। इन दोनों नंबरों को देखा आप लोगों ने, 36 के क्या फैक्टर बनेंगे, 36 के आप लोग फैक्टर बना लो पहले, 36
टू पे गया 18, टू पे गया 9 और 3 पे गया ये 3 और 3 बन जा 3, तो बन गया आपके 2 × 2 × 3 × 3 × 1। तो 48 के फैक्टर बनाओ, 48 के आप लोगों ने फैक्टर बनाए 48, 2 पे गया 24, 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3 और 3 बन जा 3। तो 48 के फैक्टर बन गए आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 1। 36 के फैक्टर बन गए ये और 48 के बन गए ये। पहले ये देखो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, तो कॉमन क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो वो आपका एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 और 2 कॉमन आ गया तो दैट मीन्स 2, इधर से 2 देखा दूसरा भी 2 कॉमन आ गया, तो 2 वो जो जो कॉमन आते जाए उनको आप यहां पर लिखते जाओ। तो 2 देखा ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, 3 ये भी कॉमन नहीं है और ये आपका 3 कॉमन आ गया, तो × 3 × 1। जो ये दूसरा 3 है इसमें ये कॉमन नहीं है तो इसके ऊपर भी सर्कल कर लो, तो आपका एचसीएफ हो गया 12 आ गया आपका एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम, एलसीएम क्या है, जो जो कॉमन आए हैं, जो जो नंबर आपके कॉमन आए हैं उनके साथ उनको भी लिख दो जो आपके नंबर कॉमन नहीं है, वो होगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नंबर कॉमन कौन कौन से है आपको डायरेक्ट ही पता है, 2 × 2 × 3 × 1 ये आपके कॉमन है। जो कॉमन नहीं है, एक तो ये 2 कॉमन नहीं है, एक ये 2 कॉमन नहीं है और एक ये 3, 2 × 2 × 3। तो आपका क्या आ गया एलसीएम 4 12 12 2 24 6 144, ये हो गया आपका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है आपका, वह सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। जैसे आपने देखा 144 है, ठीक है, ये एलसीएम आपका ये इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, किन किन से, 36 और 48, इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। और जो ये है आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सबसे बड़ा नंबर है आपका एचसीएफ जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा वो होगा आपका एचसीएफ। और जो जिस नंबर से जो नंबर जिस नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड कर देंगे वो हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एक और बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बतानी है, क्या कि भाई अगर हम किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आर नंबर फाइंडिंग द टू नंबर्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, किन्हीं दो नंबरों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जो उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, जो उनका प्रोडक्ट होगा उन दो नंबरों का, वो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो प्रोडक्ट ऑफ, जैसे ए और बी हमारे पास दो नंबर है कोई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या है एचसीएफ एलसीएम, जैसे दो नंबर है इनका एचसीएफ, जो इन दो नंबरों का जो मल्टीप्लाई होगा ए और बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ
और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा एचसीएफ और एलसीएम का वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे लास्ट में अभी किया था हम लोगों ने, एक नंबर था हमारे पास 36, दूसरा क्या था 48, इनका एचसीएफ क्या आया था, इनका एचसीएफ आया था 12 और इनका एलसीएम क्या आया था, इनका एलसीएम आया था 144। ठीक है, अब दो नंबर हमारे पास कौन कौन से, 36 और 48 इज इक्वल टू एचसीएफ क्या आया था इन दोनों का, ये 12 और एलसीएम आया था 144। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो आप लोग, 36 की 48 से मल्टीप्लाई, 48 288, ठीक है 144, तो आपका आ गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया 7 2 1 7 2 8 इज इक्वल टू 144 की 12 से मल्टीप्लाई की 1728। ठीक है, इससे आपका क्लेरिफाई हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कि नहीं दो नंबरों का जो गुणनखंड है गुणनफल है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दोस नंबर, उन दो नंबरों का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनके मल्टीप्लाई का बराबर होगा। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF into LCM, A into B into is equal to HCF into LCM, ठीक है? तो ये जो मेथड है ये तीन नंबर आ जाते हैं, जैसे तीन नंबर का निकालना सीखेंगे हम लोग, A, B और C का HCF LCM निकालेंगे जब प्रोडक्ट से, फंडामेंटल वो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, बस ये क्या है दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर कैन बी राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दूसरा क्या क्या है, हमने एचसीएफ निकालना देखा फैक्टराइजेशन मेथड से, किसी दो नंबर लिए उनके फैक्टर बनाए और जो उनमें हाईएस्ट कॉमन आया उसके आपने फैक्टर बना लिए, वो बन गए, जो हाईएस्ट कॉमन आया वो हो गया आपका एचसीएफ, और जो कॉमन आया इनटू जो दो नंबर वे नंबर आए है जो हमारे कॉमन नहीं है उनको भी उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और ये और क्या था आपने, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज